So a devotee should study for Krishna. अच्छा, what does that mean to study for Krishna? To study for Krishna का मतलब है कि हम जो भी पढ़ें, ये सोच के पढ़ें कि आगे जाकर हो सकता है कृष्ण इस ज्ञान को अपनी सेवा में लगाएं. हो सकता है मैं अकाउंटिंग जानता हूँ, मे बी कृष्णा विल एम्प्लॉय मी इन सम अकाउंटिंग सेवा फॉर कृष्णा. अगर मैं वेबसाइट कैसे डिजाइन करने का मैं ये जानता हूँ, मे बी इन फ्यूचर आई मेक अ नाइस वेबसाइट फॉर कृष्णा. तो इस प्रकार से ना ये सोचिए पढ़ना चाहिए, मुझे ये चीज इतने अच्छे से पढ़नी है दैट इन फ्यूचर इफ कृष्णा वॉन्ट, अगर कृष्ण चाहेंगे ना तो इस विद्या को मैं कृष्ण की सेवा में लगा सकूँ. तो ये सोचिए पढ़ना चाहिए. दूसरी बात जो सोचिए पढ़नी चाहिए वो ये है, आपके आसपास के लोग जानते हैं कि आप भक्त हो, यू आर इस्कॉन डिवोटी. अगर खराब मार्क्स आते हैं ना अगर किसी भक्त के, उंगली ही उठती है, देखो भक्त हो गया ना, देखो इस्कॉन में जाने के बाद कहाँ भक्ति का मन लग रहा है, आप पढ़ाई मन लगना है इन लोगों का. सो अल्टीमेटली भक्ति एज अ प्रोसेस की बदनामी होती है दुनिया के आगे. तो इसलिए ना दुनिया में ना कहीं भगवान की भक्ति का नाम बदनाम नहीं होने देना. तो इसीलिए भी भक्त को अच्छे से पढ़ना चाहिए कि दुनिया को दिखाएं भक्त बनने के बाद मार्क्स अच्छे आते, तुम लोग भी भक्ति करो. आई सर, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, आई वाज नॉट वेरी अ टॉपर बट अबव एवरेज, कृष्णा बाय कृष्णास मर्सी. तो उस लोग पूछते थे, तू यार ये लाइब्रेरी में बैठ के 6 घंटा कैसे पढ़ लेता तू? तो मैं कहता था, वेल इन द मॉर्निंग आई चैंट हरे कृष्णा ना, तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन द्वारा अच्छी रहती है. ओ अच्छा, कैसे करते हैं यार हरे कृष्णा? सो बाय द टाइम आई पास आउट 10-12 लोग चैंटिंग हरे कृष्णा शुरू कर दिए. वाई? क्यों यार ये लंबा खींच लेता है पढ़ाई को, लंबे आवर्स दे लेता है ये. सो दैट इज वेन वी स्कोर गुड मार्क्स वेन यू आर डूइंग समथिंग वट एवर यू आर डूइंग इवन फॉर लाइवलीहुड फॉर कृष्णा, पीपल वॉन्ट टू नो कि यार ऐसे कैसे कर लेता है. सो इवन फॉर मटीरियल सक्सेस वी शुड इंस्पायर पीपल टू टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो दैट वे इज ऑल्सो फॉर दीज टू रीजन्स, मुझे नॉलेज प्राप्त करनी है ताकि भविष्य में कृष्ण जो है इस सेवा को, इस नॉलेज को इस्तेमाल कर सकें अपनी सेवा में कहीं ना कहीं. ओके, सेकेंडली मुझे ना भक्ति की जो ब्रांडिंग हमेशा ऊंची रखनी है दुनिया के आगे. नलायक हो जाओ या आप कोई गलती भी कर दोगे ना, अगर अभी आप जैसे ऑफिस में काम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे देखो गलती हो ही जाती है, देखो आप भक्ति में आ गए ना अब फिर कहाँ मन लगता है काम. मेरे को मेरा बॉस बोला था, कहते आप तेरा कहना देखो भक्ति वगैरह में आ गए ना आप, तो ये सब गलतियाँ वगैरह होती रहेंगी, देखो मन कहाँ लगता है फिर भक्ति में आने के बाद ना. मैं कहा सर आपसे भी तो कभी गलती हो तो मैं कहूँगा कि आप अपनी वाइफ से बहुत अटैच हो गए हो आजकल, तो इसलिए आपसे गलतियाँ चल रही हैं. हाउ विल यू फील इफ योर बॉस इज मे यू आर टू मच अटैच टू योर वाइफ, यू आर थिंकिंग अबाउट हर, हर हेयर, हर स्किन, हर लिप्स, हर आईज, तो फिर ठीक है तो चुप हो गया वो. सर आई वाज जस्ट जोकिंग सर, आई वाज जस्ट गिविंग एग्जांपल, हमारी पर्सनल लाइफ का ना कोई फर्क पड़ता नहीं, गलती किसी भी हो सकती, मेरे से भी वाली एक गलती हो गई, बट दिस आई विल रेक्टिफाई, मुझे दे तो मैं ठीक कर दूंगा इसको. गॉट द पॉइंट. लेकिन एक बात तो है, अगर भक्त से गलती होगी उंगली उठेगी भाई उसकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, है ना. तो इसीलिए चाहे स्टडीज हो चाहे हमारा प्रोफेशन हो, दोनों में हमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए सो एज टू सेट अ गुड एग्जाम्पल. हमारे एक ड्यूटी, उनका नाम है अजन्मा कृष्ण प्रभु, ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी सो नाइसली कि ऑफिस जो थी उनको अलग से रिवॉर्ड करना चाहती थी. तो उन्होंने कहा हम आपको कैसे रिवॉर्ड कर सकते हैं, यू नो वी कैन गिव यू अ बोनस ऑफ 1 lakh rupees. कहते सर नहीं सर, मेरे को पैकेज तो मेरा ठीक ठाक है. पैकेज उनका वैसे 1.5 lakh rupees हर महीने का था और 25,000 rupees घर के लगते हैं, 1.25 lakh rupees ही गिव्स इन डोनेशन टू टेम्पल. दैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी. Not even 50-50, it is like 80% to temple, 20% for himself. So he said कि ना देखिए मेरे को पैसे का तो नहीं है, आप ये कर दीजिए ना सर मेरी साल की छुट्टियाँ अभी 25 हैं, ये ना 35 कर दीजिए. तो मैनेजमेंट भी सोचे बड़े, कहते यार ये तो हमने सोचा नहीं था ये वाला प्रपोजल आ जाएगा, ये तो कि 25 छुट्टियाँ की जगह 35 कर दीजिए. कह लेकिन परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं. लेकिन क्या ठीक है सर, ओनली फॉर यू, अदरवाइज हम कभी नहीं करते, आपने बहुत बड़ी चीज़ मांग ली हमसे, 1 lakh rupees देने के लिए तैयार हैं हम, लेकिन छुट्टी नहीं दे पाएंगे हम. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ योर गुड परफॉर्मेंस वी आर गिविंग यू 35 leaves. तो 10 छुट्टियाँ उन्होंने बढ़ा दी उनकी. भक्त तो चलिए छुट्टी तो चाहिए होती है, सेवा करने के लिए क्या करना है, छुट्टी महाराज आ रहा है छुट्टी ले लो जी, सेवा करने छुट्टी ले लो, छुट्टी चाहिए होती, दैट्स इट. सो ही गॉट दिस एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ लीव्स, वाई? बिकॉज ऑफ द गुड परफॉर्मेंस. तो भक्त जो है इवन फॉर लाइवलीहुड भी हम जो काम करें वी शुड वर्क एज इफ इट इज फॉर कृष्णा. दैट्स द थिंग. जैसे जुहू मंदिर बना था तो उस वक्त सेठी जी करके थे, क्योंकि मिस्टर नायर जो थे वो डू वेरियस काइंड ऑफ एट्रोसिटीज ऑन डिवोटीज, तो ये बाहर गन लेके वेट करते थे, अगर कोई आएगा तो मैं रक्षा करूंगा राधा रास बिहारी की. ही वॉज ऑलवेज ऑन ड्यूटी.
एंड सेल्फलेसली डिड इट. उनको कोई पैसे वैसे नहीं मिलते थे कौन से. ही वॉज डूइंग इट सेल्फलेसली. इवन बाल ठाकरे एट दैट टाइम ही वॉज ही डिड अ वेरी गुड सेवा एट दैट टाइम. जब हमारा मंदिर जब खतरे में था जूहू मंदिर मिस्टर नायर से, तो उन्होंने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करना, कम्युनिकेट करना टू क्रिएट अ मूवमेंट फॉर इस्कॉन अगेंस्ट मिस्टर नायर. सो ही वॉज देयर. पॉलिटिकली ही वॉज इन अ गुड कंडीशन एंड ही वॉज नोन एज टाइगर ऑफ महाराष्ट्र. सो बाल ठाकरे ऑल्सो डिड दिस एंडेवर फॉर कृष्णा. इवन तो देखा जाए तो एक पॉलिटिकल फ्रंट पर नजर आ रही है एक्शन, पर एक्चुअली डिवोशनल सर्विस में काउंट हो जाता है. बिकॉज जब कोई एक्शन का केंद्र बिंदु भगवान होते हैं, दैट इज काउंटेड एज डिवोशनल सर्विस. मिस्टर सेठी व्हेन ही वॉज ऑन द बेड, तो प्रभुपा जी आए उनके पास जब वो चल नहीं पा रहे थे उन दिनों में. मिस्टर सेठी, तो श्री प्रभुपा जी ने कहा, सेठी साहब क्योंकि आपने राधा राज बिहारी के का घर बनाने में यहाँ मदद की है, इसलिए राधा राज बिहारी ने आपके लिए अपने धाम में आपके लिए घर रिजर्व करके रखा है, आप चिंता मत करो. एंड देन ही वॉज टेकन इन द कार टू हैव दर्शन ऑफ राधा राज बिहारी. सो ही डिड दिस सेवा एज अ सर्विस टू द लॉर्ड. सो डिवोटी शुड डू एवरीथिंग एज अ सर्विस टू कृष्णा. तो हम जब ऐसे एंडेवर्स करते हैं तो होता क्या है भला, होता क्या है, हमारे कर्म प्यूरिफाई होते हैं. हमारे कर्म जब प्यूरिफाई होंगे तो हमारा अस्तित्व प्यूरिफाई होगा. जब हमारा अस्तित्व प्यूरिफाई होगा तो हमारी बुद्धि प्यूरिफाई होगी. जब बुद्धि प्यूरिफाई होगी ना तो शास्त्र समझ में आएंगे. जैसे कई बार लोग शास्त्र पढ़ते समझ में नहीं आते, कहते कि चल क्या रहा है यार, मतलब ये यार इतना कुछ क्यों क्यों कैसे निकाल लेते हैं इसमें से, इतना है क्या इसमें, दो सेंटेंस ही तो है इसमें, ठीक है ये कितनी है, मतलब कितना पढ़ना है इसको. माय गॉड यार ये लोग ऐसी और तो नहीं है ना. तो पढ़ना लिखने में ना बहुत चैलेंज आता है शुरू शुरू के दिनों में. ऐसा होता है, ऐसा क्या होता है, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है. बुद्धि शुद्ध क्यों नहीं है, क्योंकि अस्तित्व शुद्ध नहीं है. अस्तित्व क्यों शुद्ध नहीं है, क्योंकि कर्म शुद्ध नहीं है. कर्म कैसे शुद्ध होते हैं, व्हेन वी वर्क फॉर कृष्णा, दैट्स व्हाई. इसलिए शुरू 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 में हम फिजिकली एग्जर्ट करने के लिए एनकरेज करते हैं डिवोटीज को, ताकि हमारे कर्म शुद्ध हो, अस्तित्व शुद्ध हो, तो बुद्धि शुद्ध हो, तो फिर ज्ञान कुछ पचे, ज्ञान अब कुछ डाइजेस्ट हो. दैट इज व्हाई इसलिए करना बहुत जरूरी है. एंड दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. जैसे भगवद गीता के 13 चैप्टर में आता है ना कि भाई अपने मन को और इंद्रियों को पूर्ण रूपेण कृष्ण में लगा दो. तो बोले जी ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो पाता साहब. कहा चलो ठीक है फिर, अच्छा ऐसा करो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लो, फिर मन तो नहीं लग रहा आपका, रूल रेगुलेशन फॉलो कर लो. देखिए रूल रेगुलेशन फॉलो हम नहीं कर पाएंगे. अच्छा चलो ठीक है, थर्ड लेवल भी आता है, चलो मेरे लिए कर लो, कुछ ना कुछ थोड़े फल भी ले लेना मेरे से, वो कर लो. चलो नहीं प्रभु आपके लिए कर्म करूँ, नहीं नहीं मैं बाहर किसी और के लिए कर्म करूँगा, आपके लिए नहीं करूँगा. भगवान ने चल ठीक है बाहर तेरे को जो करना है ना कर ले, उसका थोड़ा कुछ रिजल्ट मेरे को दे दिया कर, चलेगा. सो दीज आर फोर लेवल्स विच कृष्णा इज ऑफरिंग टू द डिवोटी इन चैप्टर 13, 8 से लेकर 11 तक. सबसे पहले भगवान ही बोल रहे हैं मन को भी लगा ले, नहीं लग रहा. अच्छा विधि विधान का पालन कर ले, इंद्रियों को लगा ले, नहीं लग रही. अच्छा मेरे लिए कर्म कर ले, अब नहीं हो रहा प्रभु. अच्छा तो फिर ऐसा कर तू बाहर कहीं कर्म कर ले, उससे थोड़े फल दे दिया कर, इतना कर ले. पर होता क्या है जब कोई इतना करेगा कि कर्म करेगा और फल भगवान को देगा, धीरे धीरे क्या करेगा, ये भगवान के लिए कर्म करेगा, धीरे धीरे विधि विधानों का पालन करेगा और धीरे धीरे इसका मन भगवान में लग जाएगा. सो दिस इज हाउ द पर्सन गेट्स वंस एंडेवर बीइंग ऑफर्ड टू कृष्णा लाइक दैट. सो परफॉर्मिंग ऑल एंडेवर्स फॉर कृष्णा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज बीइंग अ सरेंडर्ड सोल. अब इसमें मैं बहुत कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, रीजन भी इसमें आत्मनिवेदन में हम इसको कवर कर चुके हैं. व्हाट डज दैट मीन टू बी अ सरेंडर्ड सोल, या तो पर लेकिन यह है कि बीइंग अ सरेंडर्ड सोल का मतलब क्या होता है. सरेंडर्ड सोल का मतलब यह होता है कि ना नाउ माय पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, माय कंफर्ट्स एंड डिसकंफर्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, नाउ द प्लेजर ऑफ कृष्णा इज द एक्सक्लूसिव थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. इसको बोलते हैं सरेंडर वास्तव में. और लास्ट टाइम एज यू वर सेइंग सर ये दो अंडर, तो उसको बोलते हैं सरेंडर. Yes, that is surrender. और surrender हमें किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा. प्रभुपाद जी बोला करते थे if not to Krishna then to the death, मृत्यु आगे सबको सर झुकाना पड़ता है, right? सिर्फ एक ही क्लास है जो कि मृत्यु के सर पे पांव रख करके नित्य जीवन में प्रवेश करती है, वो कौन है, भक्त. भगवान का भक्त मृत्यु के सर पे पांव रख के जाता है, मृत्यु उसके सर पे पांव नहीं रखती उसके, बिकॉज उसका सर कहां झुका हुआ है, भगवान के आगे, दैट इज कृष्णा. सो दैट इज अ सरेंडर्ड सोल इज दैट.